आगे डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम एटॉमिक स्ट्रक्चर की. सबसे पहले आप देखो, हमें फाइंड आउट करनी है एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी फोटोन की फाइंड आउट करनी है. और पहले पार्ट में दिया हुआ है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10^15 हर्ट्स. पहले पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एनर्जी फोटोन की फाइंड आउट करनी है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होती है? वन फोटोन एच न्यू है. और अगर एन नंबर ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो ई इक्वल टू एन एच न्यू के बराबर आएगा. तो यहाँ पर अगर वन फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पहले से याद करनी है रखनी है. ये गिवन क्वेश्चन में नहीं होती है. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.626 × 10^-34. फ्रीक्वेंसी 3 × 10^15 है. वैल्यू प्लेस करेंगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10^15 इतने जूल्स में आ जाएगी. समझ आ गया. अब सेकेंड पार्ट है कि हमें फिर से एनर्जी फाइंड आउट करनी है फोटोन की जिसकी वेवलेंथ 0.50 angstrom दी हुई है. तो एनर्जी वन फोटोन की एच न्यू के बराबर है. फ्रीक्वेंसी को आपने सी बाय लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया और वेवलेंथ 0.50 × 10^-10 meter में रख दिया. इसमें SI यूनिट में रखना है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8 मीटर में होती है, मीटर पर सेकंड में, और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जूल सेकंड है. ठीक. तो ये हमारे पास एनर्जी जो है एक फोटोन की जूल्स में आ गई. अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला रहता है, उसमें एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो. उसमें कैलकुलेशन काफ़ी कम होती है. ई एनर्जी दिस इज 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ऑंगस्ट्रॉम. ध्यान रखना ये फॉर्मूला जब आप यूज़ करते हो, ये इसमें बेसिकली करा गया हुआ है. एच और सी की वैल्यू प्लेस करी हुई है क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा हुआ है. और इसमें वेवलेंथ जो आपने प्लेस करनी है वो ऑंगस्ट्रॉम में प्लेस करनी है. तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वन फोटोन की वो किस यूनिट में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में आएगी. तो यहाँ पर 12400 वेवलेंथ 0.5 हो गई. तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24800. और ये जो आंसर आएगा वो एनर्जी किस यूनिट में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ऑफ वन फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.5 angstrom. ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. या ऐसे सोचो, एनर्जी एक फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है और आप वेवलेंथ निकाल रहे हो उसकी इन ऑंगस्ट्रॉम. तो आप इससे बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. इट्स एन ऑल्टरनेट वे. अब हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज टाइम पीरियड इज 2 × 10^-10 second. टाइम पीरियड का मतलब दिया हुआ है 2 × 10^-10 second. तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो गई? 1/time period, दैट इज 2 × 10^-10. तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.5 × 10^10, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख सकते हो 5 × 10^9 हर्ट्ज. ठीक. अब फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालनी है तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है. तो वेवलेंथ आ गई सी बाय फ्रीक्वेंसी. तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है तो इसे वेवलेंथ हमारे पास आ गई 6 × 10^-2 मीटर. अब वेव नंबर क्या होता है? 1/वेवलेंथ. ठीक. तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे वेवलेंथ मीटर में वैल्यू प्लेस करी तो वेव नंबर की वैल्यू 16.66 मीटर इनवर्स आ जाएगी. इसमें हमें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 picometer दैट प्रोवाइड 1 joule ऑफ एनर्जी. तो 1 joule मतलब आप समझ लीजिए बड़ा पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया जिसके अंदर बहुत सारे फोटोन्स हैं. तो इसे हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी. ठीक है, टोटल एनर्जी तो विच इज इक्वल टू द एन नंबर ऑफ फोटोन. एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है. तो अगर हम एन नंबर ऑफ फोटोन्स लेते हैं तो उनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एन एच न्यू. ठीक. तो जब भी आपको वेवलेंथ दी हो, फ्रिक्वेंसी दी हो, उससे हमेशा आपकी एक फोटोन की एनर्जी आएगी. तो एक फोटोन की एनर्जी आप यहाँ से निकाल लो, एच सी बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ हमारे पास दिया हुआ है और टोटल एनर्जी हमें कितनी दी हुई है? 1 joule दी हुई है. तो अगर हम इसको टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 joule ऑफ एनर्जी. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इसमें 1 joule में कितने आ गए? दैट इज 2.01 × 10^16 फोटॉन्स. ये आपको रिलेशन समझ आ गया. ET इक्वल टू NH न्यू मतलब टोटल एनर्जी. ठीक है, और n इज द नंबर ऑफ फोटोन और एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द वन फोटोन. तो टोटल एनर्जी को आपने वन फोटोन की एनर्जी से क्या करना है? डिवाइड करना है. जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ दी हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, इसका मतलब उससे एक फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट होगी. अब आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर.
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ फोटोन ऑफ 4 × 10⁻⁷ मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, मतलब ये हमें दी हुई है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव द वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक. और हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है. पहले एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो हमने आपको बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है 12400 बाय वेवलेंथ. आपको किस यूनिट में रखनी है? एंगस्ट्रॉम में. जैसे आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये दोनों कांस्टेंट है. तो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो आपके पास ये डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो. तो आपने इसको प्लेस कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है एटम से एमिट हुआ है वेलेंस शेल से. ये एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन हो गई. ठीक है. इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में चेंज होती है. एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, और रिमेनिंग एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. और हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली, 3.1 हो गई, और वर्क फंक्शन 2.13. इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो सकती है या इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो सकती है. कम अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. ठीक है. और इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को ही फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी आ गई? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए. अब इसका थर्ड पार्ट है. अब हमें फाइंड आउट करनी है काइनेटिक, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस इलेक्ट्रॉन की. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये है. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वी हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी ट्वाइस दी काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम अंडर द रूट. ठीक है. अब अगर ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है तो ये मास भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का ही होगा. ठीक है. पर अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की आपको वैल्यू रखनी है इट शुड बी इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स, क्योंकि मास जो इलेक्ट्रॉन्स का आएगा वो ऐसा यूनिट्स में आएगा दैट इज इन किलोग्राम्स. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 0.97 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये हो गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹. तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.84 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. अब देखो हमें फाइंड आउट करना है आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर आर जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, मतलब सोडियम के वेलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमने वेवलेंथ कौन सी इस्तेमाल करी? 242 नैनोमीटर, विच आर जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम. और ये हमें आयनाइजेशन एनर्जी किस यूनिट्स में चाहिए? किलो जूल पर मोल में चाहिए. ये समझ आ गया. तो इसका मतलब अगर वेवलेंथ दी हुई है तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करा एच सी बाय लैम्डा, मतलब एच न्यू. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. जो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है. ठीक है. तो इसको हमने लिख लिया एच सी बाय लैम्डा में. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इसे H और C को सिंप्लीफाई करते हैं और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम. अब ये जो वेवलेंथ हमें दी हुई है ये नैनोमीटर में दी हुई है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 242 × 10⁻⁹ मीटर. तो हम इसे लिख सकते हैं 242 × 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो तो −9 मीटर. तो ये जो है ये पूरी टर्म ये हमारे पास क्या हो गई? 10⁻⁻⁰ जो कि एंगस्ट्रॉम के बराबर है. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻⁰ मीटर के बराबर हो गया. तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 2420. तो ये वेवलेंथ हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आ गई. तो इससे हमारे पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, पर मुझे एनर्जी निकालनी है जूल्स में. ठीक है. तो हमने इसको 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स के इक्वल होता है. ठीक. अब आगे एनर्जी चाहिए थी किलो में तो इंटू 10⁻³ कर दिया. और ये हमें चाहिए थी टू
फॉर वन मोल ऑफ सोडियम एटम, एक मोल सोडियम एटम, तो ये जो एनर्जी आई है किलो जूल्स में, ये एक सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आई है। अगर हम एक मोल सोडियम में से रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इसे एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी जो ये एच सी बाय लैम्डा होती है या एच न्यू होती है, दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतना एक फोटॉन एनर्जी लगती है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई 493.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर आप यहाँ से प्रोसीड करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हो, आप आयनाइजेशन एनर्जी एच सी बाई लैम्डा ले लो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप प्लेस कर दो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकंड के बराबर होता है, सी 3×10^8 है, और वेवलेंथ की वैल्यू 242×10^-9 मीटर। तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जूल्स में आ जाएगी। जूल्स को किलो में करने के लिए आपको 10^-3 फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर इससे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दैट इज 1.6×10^-19, क्योंकि आंसर आपका ऑलरेडी जूल्स में आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए, अ 25 वॉट बल्ब है विच एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट है और वेवलेंथ 0.57 म्यू मीटर, म्यू का मतलब हो गया यहाँ पर दैट इज 10^-6 मीटर, 0.57 म्यू मीटर मतलब 0.57×10^-6 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटिंग पर सेकेंड फाइंड आउट करना है। पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, टोटल एनर्जी बाय टाइम, तो टोटल एनर्जी का मतलब हो गया एन एच न्यू। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फोटॉन एमिटिंग पर सेकेंड, तो एन बाय टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन बाय टी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करनी है तो पावर को आप एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, फ्रिक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सी बाय लैम्डा। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी हमने, पावर 25 हो गया, वेवलेंथ हमें दी हुई है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटास एमिटिंग पर सेकंड हमारे पास कितने आ गए, 7.16×10^19 सेकंड इनवर्स, दीज आर दी नंबर ऑफ क्वांटास एमिटिंग पर सेकंड। हमें एन बाय टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने डायरेक्टली पावर टोटल एनर्जी बाय टाइम ये रिलेशन यूज कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है और वर्क फंक्शन है वो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, व्हेन इट इज एक्सपोज टू मतलब दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है। कैलकुलेट करना है हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन मतलब वही हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, दूसरा हमें दिया हुआ है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो जीरो वेलोसिटी से है, अगर वेलोसिटी जीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, वेवलेंथ दी हुई है इंसिडेंट की और इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा हो गया। अगर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, तो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज 4.41×10^14 हर्ट्ज, सी बाय लैम्डा से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगला पार्ट आता है, ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लिखा, एच न्यू इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी किसके इक्वल हो गई, वर्क फंक्शन के, और एच न्यू मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में पहले से दी थी, तो ये हो गई हमारे पास थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.82। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू आपके पास है, सी पता रहता है, वेवलेंथ आप प्लेस कर दो इन मीटर्स।
एच की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 6800 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 10। उस केस में आपको वेवलेंथ जो है मीटर्स में रखनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा वर्क फंक्शन हमारे पास, दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। और ये रिलेशन आ जाएगा अगर हम वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं। ध्यान से देख लो, अगर वेलोसिटी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ही बेसिकली क्या किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क फंक्शन की हो जाएगी। और ये इंसिडेंट फोटोन को हमने इस एक्सप्रेशन वेवलेंथ इन लॉन्गस्ट्रॉम और 12400 मतलब 12400 की टर्म में हमने लिख लिया।